तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गिव अवे की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लाइक दो गिव अवेज करने थे और दोनों गिव अवेज का अनाउंसमेंट की डेट आ गई है। मैंने 7 डेज़ का ट्रायल दिया था, सॉरी 7 डेज़ का मैंने टाइम दिया था कि 7 डेज़ के बाद मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। सो 7 डेज़ पूरे हो गए हैं। तो खैर मैंने दो स्क्रीनशॉट रखी हैं, सिंपल एंड फास्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वोटिंग वाला सिस्टम था वो, ठीक है, ये भाई साहब है विकेट शेडो, ठीक है, ये जीत गए हैं वोटिंग सिस्टम से। जो गिव अवे था माउस पैड का, रॉयजर का, मैंने माउस पैड जो गिव अवे करना था ये जीत गए हैं। और लाइक इनके जो कमेंट्स हैं वो 20 है और जो लाइक्स हैं वो 29 है। और यहाँ पर देख लीजिए रैबिट भाई हमारे, ये भी काफ़ी अच्छा है, इन्होंने कम्पीट किया, इन्होंने 19 कमेंट्स हैं इनके और 24 लाइक्स हैं। सो इसका गिव अवे का विनर जो है वो विकेट शेडो है। कंग्रेचुलेशंस विकेट शेडो, आप गिव अवे के विनर हो गए हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे कहीं पे अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं आपको टीसीएस करा दूंगा आपका जो भी गिव अवे बनता है। सेकंड गिव अवे जो मैंने कहा था मैं अपनी मर्जी से दूंगा किसी व्यूवर को, बेस्ट व्यूवर को, तो मैंने बेस्ट व्यूवर अरसलान सईद को मतलब चुना है उसके लिए। और अरसलान सईद, अब रीज़न भी साथ में दे देता हूँ क्यों उसको बेस्ट व्यूवर सुनने मैंने लाइक चूज़ किया। एक्चुअली ये तकरीबन 2 मंथ्स पहले की बात है, मैंने संडे की रात को तकरीबन 18 आवर्स स्ट्रीम की थी, 17-18 आवर्स स्ट्रीम की थी, और वो लड़का मेरे साथ जागा था पूरी स्ट्रीम। और रेजिडेंट इवल 2 थी, हाँ 2 थी, रेजिडेंट इवल 2 की रीमेक वर्जन, और मतलब वो लास्ट तक रहा था। तो खैर मैं मतलब वो आखिरी बंदा था जिसका मैसेज आया था कि हाँ भाई एंड होगी, तो उसके अलावा एक व्यू आ रहा था और वो अकेला बंदा था जो रह गया था। सो मैंने उसको सेकंड गिव अवे दिया। और एक अनाउंसमेंट और सुन लें कि मैं नेक्स्ट 3 गिव अवेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट गिव अवे जो होंगे वो 3 होंगे और तीनों का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब तीनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और इस दफ़ा कुछ सीन डिफरेंट है, तो मिलता हूँ आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में रात 8 बजे, शायद मैं उससे पहले भी कर लूँ, नॉट पता मेरा। और मिलता हूँ आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में, अपना ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें।